नमस्कार, अमक थाली में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रवा पोटैटो सैंडविच। सैंडविच लोग अपने घर पर ज्यादातर नाश्ते के रूप में बनाते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आज हम जिस तरीके से रवा पोटैटो सैंडविच बनाने वाले हैं, ये बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। सैंडविच बनाने के लिए हमने 2 उबला आलू लिया है, इसका छिलका साफ कर दिया है, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मटर, 1 कप रवा यानी कि सूजी, 3/4 कप दही, 1 कटा हुआ प्याज, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम दही सूजी का घोल बनाएंगे। सूजी को इस बड़े बर्तन में डालेंगे, इसमें डालेंगे दही, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। अब सूजी और दही को अच्छे से मिलाएंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। हमने सूजी और दही को अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हम इसको बहुत गीला नहीं बनाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये घोल हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से हमने थोड़ा गाढ़ा घोल बनाया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, जिससे सूजी हमारे खिल जाएं। अब हम आलू को फोड़ लेते हैं। आलू आप चाहे तो कद्दूकस कर सकते हैं। आलू को हमने अच्छे से फोड़ लिया है, अब इसका मिश्रण तैयार करेंगे। मिश्रण तैयार करने के लिए हमने पैन लिया है, गैस को ऑन करेंगे। पैन में डालेंगे 1 बड़े चम्मच तेल। तेल को हल्का गरम करेंगे। तेल हमारे गरम हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को तेल में मिलाएंगे इस तरीके से। अब हरी मटर को डाल देते हैं। अब हरी मटर और प्याज को हल्का फ्राई करेंगे। हम मीडियम आंच पर इसको इसी तरह चलाते रहेंगे। जब मटर हमारे हल्के से मुलायम हो जाएंगे, तब इसमें डालेंगे आलू। ये मटर हमारे हल्के मुलायम हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे आलू। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, बारीक कटी हुई हरा धनिया। अब मसाले को आलू में मिलाकर 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। ये आलू को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है, अब इसको इस प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू के मिश्रण को हमने इस प्लेट में निकाल लिए हैं। ये 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब हम घोल को चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सूजी अच्छी तरीके से खिल गए हैं। अब हम सैंडविच को बनाएंगे। सैंडविच बनाने के लिए तवा गैस पर रख दिया है, गैस हमारा पहले से ऑन है। तवा पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, गैस को हम धीम कर देते हैं। अब हम सूजी के घोल 1 बड़े चम्मच लेकर तवे पर फैलाएंगे। हम घोल को ज्यादा दूर तक नहीं फैलाएंगे, सैंडविच को हम छोटे साइज में बनाएंगे। इस तरीके से हमने घोल को फैला दिया है। इसको हम धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकाएंगे। जब ऊपर से इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा, तब इसको पलटेंगे। लगभग 2 मिनट के बाद हम इसको पलट देते हैं। अब इसके ऊपर से भुने हुए आलू लगा देते हैं। आलू को हम चारों तरफ से पतली लेयर में फैलाएंगे।
हमने आलू को चारों तरफ से पतली लेयर में फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम सूजी घोल डालकर फैलाएंगे। सूजी घोल को हमने पतली लेयर में अच्छे से फैला दिया है। अब इसको हम पलट देते हैं और उस तरफ भी हम 2 मिनट तक पकाएंगे। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। अब इसको उस तरफ पलट देते हैं और इस तरफ भी थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। ये हमारा पहला वाला रवा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए घोल को सैंडविच बना लेते हैं। अब उसी तरीके से 1 चम्मच घोल डालकर इसको भी फैलाएंगे। अब इसको पलट देते हैं। अब इस पर भी भुने हुए आलू लगा देते हैं। और इसके ऊपर भी घोल डालकर फैला देते हैं। अब इस पर तेल लगा देते हैं। अब इसको पलट देते हैं और इस तरफ भी थोड़ा तेल लगा देते हैं। ये हमारा दूसरा वाला सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये रवा पोटैटो सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम आपको एक सैंडविच काट कर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सैंडविच अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। इस तरीके से हमने रवा पोटैटो सैंडविच बनाया है। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पर बनाकर नाश्ते के रूप में खा सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन में पैक कर सकते हैं। इसे आप टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं, चिली सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर वैसे भी खा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में इस प्रकार के नाश्ते खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने इस तरह के सैंडविच नहीं बनाया होगा एक बार जरूर बनाकर खाएं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।